नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 5 साल में किसानों को बिजली कम मिली है और मुकदमे ज्यादा लगे हैं। सपा सरकार बनने पर 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। 5 सालों में किसानों और व्यापारियों के साथ भाजपा सरकार ने सिर्फ धोखा ही किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में सपा गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। यह बात उत्तराहार में व्यापार मंडल की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कही। मंगलवार को ताखा ने जसवंत नगर विधानसभा से सपा प्रसपा के संयुक्त प्रत्याशी एवं प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कोईता, कदमपुर, उत्तराहार, कुदरैल, बमनीपुर, भगवंतपुर, पुरैला में जनसभाएं की। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मौजूद व्यापार मंडल अध्यक्ष रवि चक्रवर्ती, राजीव गुप्ता, सुनील गुप्ता, उमेश चंद्र गुप्ता, अबनी यादव, विजय यादव आदि कई लोगों ने कहा, उत्तराहार में जो विकास कार्य हुए हैं वह शिवपाल सिंह यादव ने करवाए हैं, इसलिए इस बार व्यापारी शिवपाल सिंह यादव को वोट करेगा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ध्रुव यादव ने कहा, उत्तराहार में भरथना मार्ग पर नाले की समस्या का समाधान शिवपाल सिंह यादव ने अपनी निधि से 30 लाख रुपए देकर कराया है। उत्तराहार में अभी तमाम विकास कार्य होने, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट करें। गौरव शाके की रिपोर्ट। चुनाव में नौजवान ही सबसे ज्यादा काम करता है, तो जैसे ही ये पास करेंगे तो ऐसा भी कानून बनाएंगे, हर परिवार में कम से कम एक बच्चे और बेटी को सरकारी नौकरी मिलेगी, कोई परेशानी नहीं आने। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा जब सरकार हम लोगों की थी तब आपके खेतों में कितना काम हुआ था, गौड़ी सड़क और ये सीसी की रोड कितनी हालत खराब थी, और यहाँ से जब पटना जाते थे तो कितनी हालत खराब थी, नाला से लेकर के सभी पक्के हो गए, हर गांव को रोड हो गई, हर गांव को बिजली हो गई, अब ये बचा काम थोड़ा बहुत बचा है काम, सभी दुकानदारों को भी हम आश्वासन करना चाहते, कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई आपको धमकी नहीं देगा, कोई परेशान नहीं करेगा, और परेशान करे तो मुझे बताना, बताओ मुझे क्या बताओगे, तो कोई परेशान करेगा, कोई धमकी देगा? मैंने सुना थोड़ा बहुत अभी धमकियाँ मिल जाती तो वो धमकियाँ बंद हो जाएंगी, लेकिन वोट निकलना चाहिए, वोट निकलना चाहिए, जब वोट निकलता है जब पता चलता है दूसरा हार में 80-90% वोट साइकिल पड़ा है, तो सीधे ना हमारे दिमाग में फीड हो जाएगा दूसरा हार में आपकी बात बहुत अच्छा है। और जो भी फिर विकास का काम बता देना, ये सड़क भी नहीं बताई थी आप लोगों ने, और आपकी बात तो बताना होगा, बता देना कोई काम हो जाएगा, आप लोगों को बताओ। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।